नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको धनतेरस की वो चार बातें बताने जा रही हूँ जो धनतेरस की शाम को नहीं करनी चाहिए। तो आइए चलिए सुनते हैं। हिंदू धर्म में दिवाली पर्व का काफ़ी महत्व है। प्रमुख त्योहारों में से एक दिवाली की शुरुआत धनतेरस के साथ हो जाती है। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर भगवान की पूजा करने का विधान है। इसके साथ ही धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन आदि की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इस साल धनतेरस का पर्व 23 अक्टूबर रविवार को मनाया जा रहा है। तो आइए चलिए जानते हैं इस दिन कौन से काम नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि धनतेरस की शाम को घर कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। इस दिन खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इसी कारण कई लोग इस दिन खरीदारी के लिए घर में ताला लगाकर चले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन शाम को किसी न किसी व्यक्ति को घर में ज़रूर रहना चाहिए। धनतेरस के दिन शाम को दीपक जलाना ना भूलें। धनतेरस के दिन शाम को यम के नाम का एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीपक को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों और यम का ध्यान करके रख देना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। धनतेरस के दिन किसी को भी ना दें सफ़ेद चीज़ें। धनतेरस के दिन शाम के समय किसी को भी चावल, दूध, आटा, शक्कर या फिर सफ़ेद रंग की मिठाई ना दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।